नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रिक्शा स्टैंड पर जय किसान आंदोलन द्वारा आयोजित दो दिवसीय किसान पंचायत संसद व धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के संयोजक जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनीति यादव ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य शिक्षा नाबार्ड व कृषि योजनाएं पूरी तरह से फेल है। अस्पताल में जाइए तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवा नहीं। सभी मशीनें सोनोग्राफी लैब आदि फेल है। लोगों को बाहर से जांच करवानी पड़ती है। डॉक्टर लोग सरकारी अस्पतालों में ना रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस में मस्त है। जो एक बार प्राइवेट अस्पतालों में गया गरीबी रेखा में जाना तय है। शिक्षा की हालत ये है कि शिक्षा में अव्यवहारिक नीति लागू करने व हर वर्ष से सिलेबस पाठ्यक्रम बदलने, किताबों के दाम बेतहाशा बढ़ाने से इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन कर रहे छात्र छात्राएं महंगी होने से किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं। 70% से अधिक बच्चे बच्चियां बिना किताब के पढ़ाई कर रहे हैं, जो शर्म की बात है। शिक्षा पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। श्री यादव ने कहा कि नाबार्ड की स्थापना 1985 में की गई, जो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि से संबंधित उद्योग स्थापित करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। अब तक हर न्याय पंचायत में कम से कम 2 कृषि उद्योग हो जाना चाहिए थे। इसमें 5,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का उद्योग पर सब्सिडी देने का प्रावधान है। परियोजना सिर्फ कागज पर फ्रॉड करके पूरे जिले को उद्योग शून्य कर दिया गया, जो चले चलाए व्यवसाय है। इस प्रकार लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए खादी ग्राम उद्योग प्रधानमंत्री रोजगार की योजनाएं भी सिर्फ कागज पर चल रही है। श्री यादव ने कहा कि कृषि विभाग में करोड़ों रुपए किसानों को 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने के नाम पर टोटल पैसा निकाल दिया जाता है। ग्रामीण कृषि यंत्र बैंक बनाने के नाम पर पहले से संचालित दुकानों के नाम पर निकाला जाता है। कृषि आत्मा योजना ग्रामीण लोगों का कृषि उद्योगों व कृषि प्रशिक्षण फसल सूक्ष्म जानकारी पूरे देश का भ्रमण प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए धोखाधड़ी से निकाला जाता है। श्री यादव ने कहा कि सरकारी बीज की दुकानों पर पता चलता है पर्याप्त बीज है, जब आम जन गरीब किसान लेने पहुँचता है तो सीधे बता दिया जाता है सब बिक गया। गोदाम देखने की बात करता है तो डांट कर भगा दिया जाता है। अशोक पवार ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की स्थिति काफी नाजुक है। 55 लाख की आबादी में 21 लाख लोग गरीबी में चली गई है। योजनाओं में लूट के कारण लोग वाह वाह कर रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर है। अंत में प्रस्ताव पास किया गया कि नाबार्ड खादी ग्राम उद्योग आदि विभागों से हर न्याय पंचायत में कम से कम 2-2 कृषि व लघु उद्योग स्थापित की जाए। कृषि यंत्र की सब्सिडी कृषि बैंक में न देकर आम जनता को ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में किसानों का चयन कर उनकी मांग के आधार पर कृषि यंत्र दिया जाए। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ व डॉक्टर नियमावली के आधार पर अस्पताल पर रहें व सरकारी अस्पतालों में बिजली शौचालय व बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। इस किसान पंचायत को राकेश सिंह, लाल बहादुर राजभर, श्यामदेव यादव, नवनीत सिंह यादव, शाह समीम, श्यामदेव यादव, शेख जावेद, दिलौरी देवी, सीमा, भीमराम, सोनू राजभर, सविता देवी, अवधराज यादव, लक्ष्मीना, रामभुवन प्रजापति, प्रकाश पांडे, मोहम्मद हकीक आदि लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाकीलाल यादव व संचालक रविशंकर एडवोकेट ने किया। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आज से पहले 25 साल पहले जो भी होता था नेता होते थे, इस 25 साल में जिसकी भी सरकारें बनी है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जिसकी भी बनी है, सब ने जनता को लूटा है। इसीलिए 2014 में जब भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार का चुनाव आया, 3 लोगों ने वादा किया कि हमारी सरकार आप लोग बनाइए, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लोगों की योजनाएँ गाँव तक पहुँचेगी, अच्छे दिन आएंगे, लोगों को डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और सबका साथ सबका विकास होगा। यहाँ की जनता ने इनके प्रलोभन में आ करके इनकी सरकार केंद्र राज्य में बना दी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो बचा खुचा था सब सत्यानाश कर दिया, सब खत्म कर दिया, आज भुखमरी की कगार पे हैं। तो हम तो भाजपा को 0 नंबर 10 में 0 नंबर देते हैं, इनकी एक भी योजनाएं धरातल पे नहीं पहुंच रही। क्या रणनीतियाँ रहेंगी कि ये समाज आपसे जुड़ेगा और आपके बातों को आदर्श पर चलेगा? देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। हम तो बस इतने सरकार से चाहते हैं, प्रशासन से चाहते हैं कि गांव की जो योजनाएं भी, या मनरेगा का पैसा उनके खाते में चला जाना चाहिए। जैसे मनरेगा एक सर कानून है, उस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100 दिन रोजगार की गारंटी जो गांव के अकुशल श्रमिक हैं सरकार की है, बाकी वो अपना कहीं कमा खा लेंगे। हमारे जनपद में 86 लाख, सुन लीजिए सर, 86 लाख 56 हज़ार मानव सृजित हर साल सृजित किए जाते हैं, जिसमें 86 हज़ार मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी दिए जाने का प्राविधान है।
लेकिन ये लोग मज़दूरों के खाते में पैसा देते नहीं। हमारे साथ मजदूर भी आए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी, आप लोग ले लीजिएगा कि मज़दूर ये मात्र एक दो महीने का उनके पास पेमेंट किसी में गया है, किसी में एक साल का पेमेंट गया है, 10 साल से इनका एक भी इनके नाम के पैसा आया। एक साल में 86,000 मज़दूरों का पैसा, 262 करोड़ से अधिक पैसा हर साल ज़िले में आया और खर्च हो गया, लेकिन मजदूर के खाते में पैसा नहीं गया। तो हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं, यहाँ के एमपी एमएलए से पूछना चाहते हैं, तूने पास क्यों किया, और सरकार से पूछना चाहते हैं जब मजदूर के खाते में पैसा गया नहीं, क्या ऊपर से एलियंस आए पैसा लेके चले गए, पैसा गया कहाँ, इसका हिसाब लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारे मजदूरों का जो भी मनरेगा मजदूर रजिस्टर्ड मजदूर 86,000 हमारे जनपद में है जिनके लिए 262 करोड़ रुपये आया, 10 साल की ईमानदारी से सरकार इनका पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। और अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम 22 नवंबर से हमने आज जिलाधिकारी को 21 नवंबर का समय दे दिया है, 22 नवंबर से हम लोग पदयात्रा गांव में निकालेंगे, जगह जगह चट्टी चौराहों पर निकालेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, क्योंकि जब जनता जागरूक जब हो जाएगी तो जो लुटेरे हैं सोचते हैं कि हम लोग तो लूट रहे हैं, जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगी, लेकिन जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, ये जनप्रतिनिधि जो लूट रहे हैं और जो अधिकारी लूट रहे हैं, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद। तो उसको सीधा जेल की हवा खाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, भगवान कृष्ण ने कहा था, क्या जानते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा था, आइकॉन जो है जानते कौन है, अमेरिका के मार्टिन लूथर जूनियर किंग। मार्टिन लूथर जूनियर किंग को 38 साल की। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।